हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको व्हील फ्लावर बनाना बताऊंगी। हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम 4 चैन लेंगे, धागा लॉक हो गया यहाँ पर। अब हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चैन लेने के बाद में हम फर्स्ट चैन पर अटैच करेंगे, मतलब हम 4 चैन की रिंग बना लेंगे। ये देखिए 4 चैन की रिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम 6 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 चैन लेने के बाद में हम ये जो 4 चैन की गैप है उसमें हम 1 ट्रबल लेंगे, 1 डबल क्रोशेट लेंगे। ये हमने डबल क्रोशेट ले लिया। अब हम 3 चैन लेंगे, 1 2 एंड 3। अब फिर से हम इस गैप में डबल क्रोशेट लेंगे। इसी तरह हमें 6 टाइम करना है, 1 2, फिर से 3 चैन लेंगे और गैप में 1 डबल क्रोचेट डालेंगे, फिर से 3 चैन लेंगे, गैप में 1 डबल क्रोचेट डालेंगे, फिर से 3 चैन लेंगे, गैप में 1 डबल क्रोचेट डालेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर से 3 चैन लेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लास्ट में जब हम 3 चैन लेंगे तो यहाँ पर हमने 6 टाइम चैन लिया है। ये जो 6 चैन है तो उसकी जो 3rd चैन है उस पर हम अटैच करेंगे। ये 3 चैन लेंगे, यहाँ पर 3 चैन, यहाँ की जो 6 चैन की जो 3rd चैन है उस पर हम अटैच करेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पर हम अटैच कर देंगे, तो ये 6 गैप हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। अब बिना चैन लिए हमें इस गैप में अंदर जाना है। ये फर्स्ट गैप है, ये फर्स्ट गैप में हम अंदर जाएंगे बिना चैन लिए, धागा लेते हुए बाहर आएंगे और ये धागे को हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट अटैच करेंगे। ये देखें, मैंने खोल दिया वो आपको दिखाने के लिए। ये धागा लेते हुए अंदर जाएंगे, धागा लेकर यहाँ पर हम डायरेक्ट इसमें से बाहर आएंगे। तो यहाँ पर ये एक अटैच हो गया। अब हम इसमें इसी गैप में बिना चैन लिए सिंगल क्रोचेट डालेंगे। देखिए सिंगल क्रोचेट आ गया। सिंगल क्रोचेट के बाद में हम इसमें हाफ क्रोचेट डालेंगे। हाफ क्रोचेट के लिए हम क्या करते हैं, धागा लेते हुए अंदर जाते हैं, धागा लेते हुए बाहर आते हैं और धागा लेकर तीनों में से एक साथ हम बाहर आ जाएंगे। ये हाफ क्रोचेट हो गया। फिर से अब हम इसमें 2 टाइम्स डबल क्रोचेट डालेंगे, डबल क्रोचेट डालेंगे। देखें 2 टाइम्स डबल क्रोचेट भी हो गया। अब हम फिर से इसमें 1 टाइम हाफ क्रोचेट डालेंगे, जैसे अभी हमने डाला, तीनों में से एक साथ में हम बाहर आ गए। अब फिर से इसमें हम 1 टाइम सिंगल क्रोचेट डालेंगे, सिंगल क्रोचेट हो गया। अब फिर से हम इसमें अटैच करेंगे, धागा लेकर हम यहाँ पर डायरेक्ट ये जो है गैप उसमें हम जाकर धागा लेकर डायरेक्ट हम बाहर आ जाएंगे। ये देखें ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट, पहले हम अटैच करेंगे, फिर हम सिंगल क्रोचेट डालेंगे, फिर हम हाफ क्रोचेट डालेंगे, फिर 2 टाइम्स डबल क्रोचेट डालेंगे, फिर हम हाफ क्रोचेट डालेंगे, फिर से सिंगल क्रोचेट डालेंगे और फिर लास्ट में अटैच कर देंगे। ये देखिए दोनों कंप्लीट हो गए। अब आगे फर्स्ट हमने फर्स्ट स्टेप क्या है, अटैच कर लेंगे, फिर सेकंड में हम सिंगल क्रोचेट डालेंगे, फिर हाफ क्रोचेट डालेंगे, फिर 2 टाइम्स डबल क्रोचेट डालेंगे, फिर से हाफ क्रोचेट डालेंगे, फिर सिंगल क्रोचेट डालेंगे और फिर हम लास्ट में अटैच करेंगे।
पहले हम अटैच कर लेंगे, फिर सिंगल क्रोचेट डालेंगे, फिर हाफ क्रोचेट डालेंगे, फिर टू टाइम्स डबल क्रोचेट डालेंगे, फिर से हाफ क्रोचेट, फिर सिंगल क्रोचेट एंड देन लास्ट में अटैच। ये चारों कंप्लीट हो गए, अब ये दो सेम उसी तरह हमें फॉलो करना है। हाथ थोड़ा टाइट रखना है ताकि ये डिज़ाइन एकदम परफेक्ट है। लास्ट में अटैच कर लेंगे और यहाँ पर हम बैक साइड में ये धागा अंदर लेकर एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। ये देखें, ये कंप्लीट हो गया। इसे हम विल फ्लावर कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।